अरे कुछ आया, कुछ आया, रुको रुको, कुछ आया भाई। उधर से आवाज आया, ऐसा लगा कि कोई जानवर कुछ दे गया। देख पूरा चारों तरफ देख ले, कहीं से जो डर है था ना थोड़ा सा बना हुआ जानवर का, उससे कहीं ज्यादा डर तो यार ये बढ़ाने का अब खतरा लग रहा है। आज ना हमारे साथ एकदम लेनी की देनी पड़ रही है। नहीं पीछे साइड यार बहुत ज़्यादा जोर की बारिश हो रही है, जैसा गरज मिला हो रहा है। क्या अचानक पानी आ सकता है एकदम नदी में यार, अचानक पानी आ सकता है। पूरी भाई इम्पोर्टेंट सामान जितना है ना, हाँ जल्दी बैग में डाल, बैग में डाल यार सब। अरे यार भाई बहुत भयानक आ गई पानी। तो अरे वो बड़ा वाला पेड़ था तो कहाँ गया, इधर से इधर से आओ। तो भाई एकदम खतरनाक वाला भटक चुके हम लोग, और यार इतने बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं ना यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि कहाँ से किधर जाना है पता ही नहीं चल रहा है। क्या मस्त लग रहा है, क्या एक मिनट भाई मजा आ जाएगा इसमें। अरे ओ भाई अभी दिन है तो मस्त नहाने वाला गड्ढा है, क्या मस्त पूरा गड्ढा है। साथ यार अगर हमारे पास टेबल होता ना, मस्त यहीं पे बैठ के खाना बनाते थे, इतना मस्त शांति है ना यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी आवाज़ क्या पानी की, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बीच में पानी ही पानी, और उधर हमारे आगे साइड छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर है, जो ऐसा लग रहा है ना कि वाटरफॉल की छोटा वाटर। आवाज़ जो आ रहा है यार बहुत ज़्यादा पीसफुल है एकदम, क्या ही बोलूँ क्या एकदम, बिल्कुल चिड़ियों की चचाहट भी यार मन मोह ले रही है। तो भाई अभी ना आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मस्त मस्त जो भी नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ मस्त गड्ढा है ना, एकदम मस्त नहाने लायक। चारों तरफ के नज़ारे देखो गाइज, क्या ही खतरनाक और पीसफुल लग रहा है यार, ज़बरदस्त। देख लो गाइज जरा सा भी मतलब कि जाने का जगह नहीं है इधर, और इधर में ना कोई भी जानवर या बड़े बड़े सांप वगैरह किसी भी चीज़ का जानवर मतलब कि कुछ भी कभी भी हमला कर सकता है, तो ना हमें हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, वरना यार कुछ भी अनहोनी हमारे साथ हो सकती है। सो हेलो है, वेलकम बैक गाइज। तो फिर से हम आ गए यार एक मस्त लोकेशन पे यार, और ये लोकेशन ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अभी उधर से तो हम लोग ने घूम के आ गया, और यार मस्ती भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं। तो
अब थोड़ा थक भी गए तो ना अब जल्दी से यार टेंट को लगाते हैं। और टेंट लगाने के लिए हम लोगों ने ये वाली जगह डिसाइड किया। क्या भाई ये वाला मस्त है यार, क्योंकि यार ये मस्त बैठने वाला प्लेस है। उधर जस्ट क्या यहाँ बगल में कैंप स्विमिंग पूल यहाँ ब्रो एकदम। हाँ एक बात पता है क्या होगा, एकदम यहाँ पे जैसे नहाएंगे खाएंगे एकदम छपाक छपाक, रातों में छपाक, दिनों में छपाक, शामों में छपाक, जब मैंने तब एक मछली पानी में छपाक। पर हम लोग तो यार दो मछली है तो दो जलपरा गए, तो आज हम लोग जलपरा बनने वाले हैं इस वाले नदी में। तो यार जल्दी से ना यहाँ पे टेंट को पिच करते हैं और मस्त यार कॉफी बनाते हैं और छपाक करते हैं। तो मनीष भाई स्लो करते हैं छपाक। हेलो छपाक नहीं आएगा। तो गाइस फाइनली हमारा टेंट पिच हो चुका है और यार अभी बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है क्या, और आगे का व्यू और पीछे का व्यू यार जबरदस्त है क्या, पर आगे भी मस्त लग रहा है। साइड में खतरनाक है, साइड से यार काफ़ी ज़्यादा डर है कि कभी भी कुछ आ सकता है। ये हमारा लक्ष्मण रेखा तैयार हो चुका है और ओए रावण जहाँ आ जा इस लक्ष्मण रेखा को पार करके दिखा, उसके बाद देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा होती है। तो है हिम्मत तो आ जाओ फिर हमारे टेंट के अंदर। तो गाइस बिल्कुल गलत समझ रहे, रामायण वाले लक्ष्मण रेखा नहीं है। हाँ ये जानते हो जानवरों के लिए लक्ष्मण रेखा के लिए है। हाँ सांप बिच्छू कुछ भी घुस जाते हैं यार टेंट में तो काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो उससे बचने के लिए हमने लक्ष्मण रेखा खींचा। और यार ये रियली में वर्क करता है, पता है बड़े जानवर तो नहीं पर यार जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना वो इससे डाइवर्ट हो जाते हैं और रास्ता अपना चेंज कर लेता है। खलखलाती बहती हुई पानी, एक गया मनीष के नाम और एक गया मेरे नाम, और थोड़ा सा निकाल देता हूँ भूत के नाम। वाह अमूल से अमूल्य बन गया, देख रहा है कंपनियों के नाम काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं। थोड़ा बचा लूँ ना, ना बचपन याद आ जाएगा भाई। देखो थोड़ा सा दूध, तू भी थोड़ा सा ले लेना, देखना दूध खोले ना साथ निकाल, ये बचपना मजा आ जाएगा। दो चम्मच, तीन भाई चहल चहल तो गाइस ग्राउंड में सो जाता है चहल कॉफी। हाँ इसके में डायरेक्ट डालते हैं। अरे 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 काम से क्या आ इधर वाह वाह नाइस, बस बिस्किट की कमी है क्या बोलते हो, जोमेटो से ऑर्डर किया जाए। भाई यार रियली में ऐसे टाइम पे ना कोई इंस्टेंट डिलीवरी का ऑप्शन रहे ना तो मज़ा आ जाएगा। हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं या ड्रोन से भी, ड्रोन से आता है हेलीकॉप्टर से बहुत महंगा पड़ता है। 1 करोड़ का चाय जितना खर्चा भाई मजा आ गया। हाय ये सुकून, ये टापू है हमारा, ये टापू भी चलो खाली एक चीज की कमी है। हाय मजा हाँ तू ठीक
पल के मजा लेते रहो। जलपरा हम लोग जलपरा हैं क्योंकि हमारे पास जलपरी नहीं है भाई। जो भी बोलो ऐसे में मजा बहुत आता है क्या? अभी मैं एक घंटा ना आऊंगा भाई। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग अभी आधे घंटे से नहा रहे हैं। अभी एक घंटा और मैं नहाने वाला हूं। एक घंटे और भैंसों की तरह डूबने वाले हैं। तो गजा बहुत देर इधर पत्थरों पे बैठ के पानी में यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हैं। और अब ना एकदम रात होने वाली है, एकदम पूरा अंधेरा छा गया गाइस, तो आप देख ही सकते हो। और जैसे अब अंधेरा हो रहा है ना यार, एकदम कीड़े मकोड़े और ये चिड़ियों की चहचहाहट और जो भी जंगली जानवर है मतलब कि छोटा छोटा जो भी है उसका यार एकदम ऐसा ऐसा आवाज़ आ रहा है ना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये भयावह और भी होते जा रहा है। तो यार रियली में ना थोड़ा सा अजीब लगता है यार जब आप कैंपिंग करने आओ और आपको घर में, यार बहुत लोग तो घर में डर लगता है अकेले, तो सोचो यार हम तो खैर इतने ख़तरनाक जंगल में हैं और यहाँ पे कोई भी अंदेशा नहीं है, मतलब कि ज़रा सा भी एक होता है ना बिल्कुल ही अननोन फॉरेस्ट है ये, तो थोड़ा सा मन में डर बना रहता है। पर कोई ना यार, दो लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और सेफ्टी से भी है, तो थोड़ा सा और अंधेरा होगा उसके बाद ना मस्त खाना बनाना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरा देखना यार और देखते हैं रात को क्या होता है, क्योंकि यार थोड़ा सा अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी है। तो भाई साहब अब ना पूरी रात हो चुकी है और अब यार भूख भी यार उसी के साथ लग रही है। तो चलो अब ना जल्दी से यार खाना बनाते हैं। तो आटा यार पहले से गूंद करके रखे हुए हैं, अभी बनने वाला है मशरूम। तो गेस करो यार कि अभी हम क्या बनाने वाले हैं, आटा है और मशरूम है, तो गेस करो कमेंट में जल्दी से कर दो यार कि आपने क्या गेस किया। तो भाई साहब अब ना एक रोटी बेल ली हूँ और यार ये इतनी ज़्यादा पतला है कि पूछो ही मत, आर पार दिख सकते हो, लाइट तो पूरा आर पार हो रहा है। तो ऐसे से अभी हमें चार रोटी बेल लेने हैं, इससे पतला रोटी कौन बनाएगा बताओ यार ये फतेंगे। देख लो गाइस कितना ज़्यादा पतला रोटी बना है। तो इस रोटी से बनाने वाले हम लोग मशरूम रोल, क्या भाई? पानी में कुछ जा रहा है वहाँ। क्या जा रहा है? चला जी आगे, देखो पत्थर पास चला जी आगे। आप वो भी जा सकते, तैरता है ना उसको। रोटी बुला रहा है, मैं इधर रोटी सेट लेता हूँ, क्योंकि काम जल्दी जल्दी करना है। यहाँ देख रहे हो रोटी इतने बड़े बड़े बने हैं ना कि इसमें, ओ भाई आधा उतना पतला भी है। बादल गरज रहा है ना, बादल बहुत ज़्यादा गरज रहा है, बारिश कभी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा आ सकती है। हाँ इसे निकाल, ओ भाई एकदम नदी में ही लगाए हैं टेंट, तो जरा सा भी ज़्यादा बारिश आया ना तो सीधे बहा के ले जाएगा हम लोग को। और इधर जगह है भी नहीं ना यार कि हम लोग टेंट को पिच कर सकते हैं क्या? अच्छा छोड़, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, खाना बना बनाते हैं और बहुत गजब का लाइटनिंग हो रहा है। जो डर है था ना थोड़ा सा बना हुआ जानवर का, उससे कहीं ज़्यादा डर तो यार ये बढ़ाने का अब खतरा लग रहा है। तो पता नहीं क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। तो यार अब ना जल्दी से खाना बना लेते हैं यार, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो फिर यार खाना भी नहीं बना पाएंगे, तो भूखे रहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। अरे भाई आज तो मज़ा आ जाएगा गाइस, मशरूम एकदम मस्त ताज़ा है यार देख सकते हो। तो भाई साहब अपना चॉपिंग कंप्लीट हो चुका है और अब यार कट करते हैं अपने मशरूम को। तो मशरूम ताज़ा है ना,
अरे कुछ है, कुछ है, रुको रुको, कुछ आया है पानी। उधर से आवाज आया, ऐसा लगा कि कोई जानवर कुछ गया। छपाक से मतलब पानी में कुछ गिरने का आवाज आया या कुछ ऐसा गया। इधर ऊपर से देखते हैं क्या, देख पूरा चारों तरफ देख लेते हैं तो भाई यार मुझे तो ऐसा लगा ना कोई मतलब अचानक आया फिर वापस चला गया। यार ये पेड़ भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। मैं दोनों साइड ना जंगल ही जंगल है, तो जंगल में तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। तो नदी में आमने सामने एकदम सही है, इधर तो कुछ नहीं है ऐसा। भाई क्या हो सकता है अभी? चलो कोई बात नहीं, कुछ होगा यार। हाँ लेकिन जोर की आवाज आई, वही तो मतलब कि कुछ बड़ा ही गिरा होगा या कुछ तो, ऐसा कूदा होगा, कोई जानवर ही होगा यार, और क्या रहा है। हाँ शायद वो नदी पार कर रहा होगा, उसी का आवाज आया होगा अभी। चलो गाइस अभी खाना बना लेते हैं, और बाकी टॉर्च तो बाहर रखे हुए ही है, कुछ होगा तो देखेंगे। भाई यार मलक भी काफ़ी ज़्यादा जोर की हो रही है। भाई यार सची में अभी ना दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी। भाई जो होगा देखा जाएगा, और थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा अब तो। भाई साहब खतरनाक एकदम बारिश टिपकना स्टार्ट हो गया है यार, टिपकने लगा बारिश। भाई क्या करोगे यार, आज ना हमारे साथ एकदम लेनी की देनी पड़ रही है। देखो भाई साहब बारिश की बूंदें टपकना शुरू हो गई है, यानी पीछे साइड यार बहुत ज़्यादा जोर की बारिश हो रही है, जैसा गरज मिला हो रहा है। क्या अचानक पानी आ सकता है एकदम नदी में यार, अचानक पानी आ सकता है भाई। इतनी कड़क कड़क एकदम बादल गरज रहा है ना यार, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हम लोग आज कैंपिंग कर रहे हैं एकदम एक्सट्रीम वाला हो रहा है क्या। चलो गार्लिक पेस्ट गया, कश्मीरी मिर्च भाई खत्म, हल्दी पाउडर भाई का बादल ना एकदम डरा रहा है क्या, बहुत डर लग रहा है यार। कभी आई जिस नदी में हम लोगों ने टेंट लगा रखा है ना, इसका पीछे पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा एकदम खतरनाक। अगर यहाँ बारिश नहीं भी हो रही है ना, पीछे अगर बारिश हो रही होगी आप मान लो, तो अचानक से इतना पानी आ जाएगा ना नदी में। एकदम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्या भाई, टेंट कम से कम खाना बना लेंगे ना तो आसानी से पैक कर सकते हैं टेंट। तो भाई सारा मसाला डल चुका है इसमें, और यार एकदम जल्दी जल्दी आज खाना बना रहे हैं। ठंडा हवा आ रहा है ना, मतलब बारिश हुई है, बारिश इधर हुआ है यार इधर, क्योंकि हवा में जो बदलाव है ना गाइस, पूरा एकदम ठंडा हवा आ रहा है उधर से। नदी का आवाज़ भी यार थोड़ा सा लग रहा कि तेज हो रहा है। आवाज़ देख, आवाज़, ओ भाई हवा चल रहा है एकदम, आंधी आ गया। हाँ टेंट को फोल्ड करो यार,
अरे भाई इम्पोर्टेंट सामान जितना है ना, हाँ जल्दी बैग में डाल, बैग में डाल यार सब। एकदम खतरनाक आंधी उंधी भी आ रहा है यार भाई, देखो एकदम इम्पोर्टेंट सामान जितना आती है कि कभी भी अचानक से पानी नदी में ज्यादा हो, ओ भाई आंधी आ रहा है बेजोर भाई, मौसम पूरा बिगड़ गया है यार। डालो यार जल्दी से, अरे यार इधर ही पूरा सट गया, बंद कर दे रहा हूँ, बंद करो बंद करो, बंद कर दे रहा हूँ भाई फिलहाल, बंद करो पहले भाई, मौसम पूरा बिगड़ गया है यार, मौसम एकदम खतरनाक हो रहा है, हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है, निकलना पड़ेगा यार हम लोग यहाँ से, क्योंकि और कोई सुविधा है ही नहीं क्या। और आसपास यार आप देख ही सकते हो, जरा से भी पैर रखने का जगह नहीं है, तो यार टेंट कहाँ से लगाएंगे। ओ भाई हम एक काम करते हैं जल्दी से ना, आंधी पूरा आ गया, हाँ इसे खा लो, रोटी लपेटो और खाओ यार जल्दी से, ये पूरा बना भी नहीं, हम लोग कच्चे खा रहे हैं। सॉरी गाइस, आज के लिए कर भी क्या सकते हैं। यार रोटी भी मैंने पूरा नहीं पकाया था उस समय, हाँ यार कि दोबारा पकाएंगे इसको भी जैसे। मजा भाई फैंटास्टिक, भगवान खास रुक जाइए, मजे लेके हम लोग खा पाएंगे कम से कम क्या, क्योंकि यार टेस्टी बहुत ज़्यादा बना है। ओ भाई नहीं रुकने वाले यार भगवान, हम लोग को पता नहीं था यार कि थोड़ा सा बारिश का अंदाजा नहीं था, भाई साहब यार आज पहली बार इस तरह से हम लोग कैंपिंग में खाना खा रहे हैं यार, इतना खतरनाक डर बन गया है ना पूछो मत। अरे यार नींबू लाए थे पर नींबू यार नींबू तक नहीं गार पाए, डालो यार थोड़ा सा शायद इसका स्वाद आ जाए। भाई लजीज, देखो यार क्या मस्त रोल बना है, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ भाई, आप लोग सपोर्ट तो करो यार। भाई यार तूफान बहुत जोर की आ गई है भाई, निकलो मनीष भाई, हाँ निकल यार, बहुत जोर की आ गई है बारिश, मतलब कि तूफान आ गया, बारिश भी तुरंत आ ही जाएगी पूरा, सब सामान समेटो यार। भाई बारिश भी पूरा आ गया है आप लोग देख सकते हो, तो जल्दी से हम लोग टेंट को फोल्ड करते हैं यार, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जैसे भी होते आराम से आराम से आराम तुम ठीक कर यार, तब तक हम इसको करते हैं अभी छोड़ो, तब बात नहीं करते हैं, रास्ता भी इतना गंदा है ना कि जाना भी मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा हाँ पकड़ो जल्दी, बारिश का थोड़ा सा मौसम ही नहीं बनाता। हाँ तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और हमें यहाँ रात में रुकना चाहिए था या नहीं वो भी आप कमेंट करके बताना, कि ऐसे जगह पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं। मौसम तो यार कोई अंदेशा ही नहीं था जरा सा भी, अरे यार ये मोटे मोटे बूंद आ रहे हैं, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत हालत आ गए काले, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और ओ भाई आज क्या होगा, ओ भाई यार सुनना इसको ऐसे ही रखते हैं ना तोड़ने के लिए हो जाएगा, इसको इसको अरे यार भाई कैमरा भी गया इसे भी बता के रखना है ना, जल्दी से उठा ले कैमरा, अरे भाई
मेरा फोन किसने खाया यार। तो गाइस यार अब आज की वीडियो ही पेंट करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अभी क्या क्या होगा यार सारी चीज़ों आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से घर निकलने का। और यार रास्ता तो आपको पता ही है कि कैसा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ओ भाई किधर से जाना है? इधर से मैं तो अरे वो बड़ा वाला पेड़ था, तो कहाँ गया? इधर से आओ, तो इधर से आओ। अरे भाई बड़ा वाला पेड़ कहाँ गया? उधर से ये वाला यहाँ से ऐसे आए थे ना यार। बाइक भी मिलेगा कि नहीं? भाई एकदम खतरनाक वाला भटक चुके हैं हम लोग। और यार इतने बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं ना यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि कहां से किधर जाना है पता ही नहीं चल रहा है। हमारा बाइक कहां लगा है कुछ पता नहीं है। और यार एक खुट्टी भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है कि हम लोग मैप के सहारे भी जा सके या किसी को कॉल कर सके। बहुत मुसीबत यार, देख रहे हो भाई धड़कन इतनी तेज है ना, हालत खराब बहुत ज्यादा हो गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें अब।